अस्सलाम वालेकुम जी क्या चल है ठीक ठाक है वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शहस तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नगर्स बनाने सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ही के, के एंड वालों की तरह है तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए पहले ये दो ब्रेड के पीस ले लिए हैं ये मेरे पास तकरीबन एक किलो चिकन है तो ये दो ब्रेड के पीस ले कर स्लाइस जो है उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको रख देंगे साइड पर ताकि जो ब्रेड है ना वह थोड़ा सा दूध करके नरम हो जाएगी यानी कि दो स्लाइस अगर आपने ब्रेड के लिए हैं तो उसमें ए, एक कप का चौथा हिस्सा या आधा कप दूध आप डाल लें ताकि वो ब्रेड नरम हो जाए उसके बाद ये वन के जी चिकन जो है मैंने उसका कीमा बनाया है और इसमें ये वन टेबल स्पून जो है काली मिर्च है और वन टेबल स्पून नमक है और थ्री टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है और वन टेबल स्पून जो है लहसन पाउडर है और ये जो मैंने आपको ब्रेड के दो स्लाइस दिखाए हैं वो है और सोया है इसको इसका हमने कीमा का लिया इसमें साथ ही बाकी चीजें इसमें हम ऐड कर देंगे <coughs> चाहे आप कीमा बना के इसको ट्रे में डाल के उसमें ये चीज़ें मिक्स कर लें चाहे मशीन अगर आप घर पे कर रहे हैं तो साथ ही इसमें ऐड कर दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए ये ब्रेड के स्लाइस भी हमने इसमें डाल दिए तो ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए ये आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और ये देखिए टू टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिए और टू टेबल स्पून सोया सास। बस अच्छे से इसको हम इसका कीमा बना लेंगे और उसके बाद हम इसके नगट्स बनाएंगे ये देखिए कितना अच्छा से ये कीमा हमारा हो गया इसको हम निकाल के इसके नगट्स के शेप चाहे आप राउंड शेप गोल में बना लें बेसवी शक्ल में बना लें जैसे टिक्कियाँ बनानी है वो बना ले जैसे आपकी मर्जी है मैंने ये देखे इस शेप में बनाए थे बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने अगर आपके पास कोई वो जैसे वो स्टार वगैरह आजकल मिलती है उसमें अगर आप बनाना चाहिए ताकि बच्चे खुश और खा लें और जो मैं ज्यादा बना रही हूँ अगर आपने कम बनाने तो कम बना सकते हैं ये मैं बना के फ्रीज कर दूंगी और आपको मैं फ्रीज करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने ठीक रहते हैं और आप इसको फ्रीज करके रख दे कोई मेहमान वगैरह आए उसको निकालें फिर उसको नरम नहीं करना निकाल दे सारी आप इसको फ्री का वो फ्राई कर लें ये देखिए ये बना लिए अब इसका सेकंड स्टेप वो जो आएगा वो मैं दिखाती हूँ आपको ये जो मैंने नगट्स वगैरह इसको मैंने फ्रीज करने थे उसमें थोड़ा सा आयल लगा के ऊपर बटर पेपर लगा लिया है और नगट्स की कोटिंग करके मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ऊपर से जो इसके हमने ब्रेड क्रीम्स भी लगाएंगे और अंडा लगाएंगे बिल्कुल नहीं उतरेगा ये देखिए ये मैदे है और ये ब्रेड क्रम्स हैं और देखिए वो ट्रे में गिर गए हैं चले कोई ये देखें और ये अंडा हम जो तो है इसको इसको बीट कर लिए अच्छे से ये कोटिंग के लिए आप मैदा थोड़ा ज़्यादा जितना भी जितने आपके पास वो नगर से उस हिसाब से लेकिन उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी इसको पहले मैदा अच्छे से लगाएंगे फिर इसको हम अंडे में इसको डिप करेंगे और उसके बाद इसको दूसरे हाथ से इसको ब्रेड क्रम लगा के तो इसको ट्रे में एक एक पीस रखते जाएंगे और उसके बाद ऊपर फिर एक शीट बिछा के दूसरे में रख के इसको फ्रीजर में हम रख देंगे ये देखिए ऐसे बिल्कुल अगर ने, आपने उसी टाइम भी फ्राई करना है तो इसको ऐसे लगा के तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट साइड में रखें उसके बाद फ्राई करें तो अगर आपने इसको फ्रीज किया हुआ है तो उसको निकालते सारे आप इसको साथ ही इसको फ्राई कर लें तो हम सारे बना के ऐसे ट्रे में रख के इसको फ्रीज कर देंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फ्रीज़ करने के बाद भी इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स वगैरह कोई चीज़ नहीं उतरेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ हमें याद रखे अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरन रसी रखे तो ये देखिए अब इसमें मैं लगा के ऊपर इसको बटर शीट लगाऊंगी ये देखिए अगर आप शापर है आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है आप कोई शापर वगैरह भी डाक रहे हैं नहीं कि एक लेयर जब आप बनाए उसके ऊपर दूसरी के ऊपर कुछ रखने के लिए ऊपर को पेपर शीट वगैरह डाल दें ये देखिए फ्रीज़ करने के बाद मैंने अगले दिन निकाले हैं कितने अच्छे आराम से जो उतर रहे हैं ये देखिए और जो ऊपर ब्रेड क्रम्स और एग वग़ैरह लगा हुआ है वो बिल्कुल ऐसे और जब मैं फ्राई भी करूँगी तो जो उतरेगा नहीं ये देखें आयल आप गर्म करें इसको फ्राई कर लें तो देखिए जी हमारे कितने मज़े के गर्मा गर्म नगर्स तैयार हैं आप इसको बना के फ्रीज करें तो मैक्सिमम वहाँ पर तकरीबन इसको तीन चार वीक तक आपके ये चल जाएंगे फ्रीजर में खराब नहीं होंगे इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लें शॉपर में डाल कर रख लें लेकिन ज्यादा ये है कि आप इसको बॉक्स में रखें तो ज्यादा अच्छे से या ट्रे में रखें और जो देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर देखें क्रम्स कितना अच्छे से है अब मैं इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा अंदर से बिल्कुल जैसे वो कैंड्स के या बाजार से किसी भी ब्रांड के मिलते हैं ये सेम उसी के तरह के होंगे और बहुत लजीज थे तो आप भी बना के खाएँ दूसरों को खिलाएं और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अल्लाह हाफिज़